हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहरेंट इंग्लिश क्लासेस, और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 1200 मार्क्स इंग्लिश रेनबो पार्ट टू के चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट, जो कि सीगा नोया के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका तीसरा भाग को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के दो भाग और बाकी के जो चैप्टर हैं आपके, इससे पहले के जो चैप्टर हैं जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इमाहोम, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये सारा का सारा जो है आपके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें जो है वीडियो को एक एक करके आप देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं द आर्टिस्ट का पार्ट थ्री को। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इस वीडियो इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको भी देखते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 9, फैंसी अ लैड। फैंसी अ लैड का मतलब ये एक फ्रेज़ है, फैंसी अ लैड मतलब कि लैड का मतलब होता है छोकरा छोकरी, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं ना छोकरा छोकरी, तो उसे जो है लैड कहते हैं। उसके बाद फिर बॉय होता है, बॉय के बाद फिर जो है मैन होता है, मैन के बाद इल्डरली मैन होता है। तो इस तरह से जो है स्टेज बाय स्टेज जो लाइफ का होता है उसी तरह लैड का मतलब क्या होता है, छोकरा। तो फैंसी अ लैड का मतलब होता है अलबेला बच्चा है, ठीक है। स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना समय बिता रहा है। पार्ट सेकेंड में हमने बताया था कि जब उसके पिताजी के दोस्त आते हैं तो आने के बाद वो कहते हैं कि आपका जो बच्चा है उसको साधारण कद्दू पसंद है, तो इसके जवाब में उसके पिताजी कहते हैं फैंसी अ लैड एक अलबेला बच्चा है, स्पेंडिंग हिज टाइम अपना समय यूं ही इसी चीज़ पे थोड़ा बहुत काम करके बिता रहा है। प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड, यूं ही जो है क्या कर रहा है, कद्दू के साथ खेल रहा है। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, किसको, अपने दोस्त को। गिविंग सेबी अ डिस्गस्टेड लुक, सेबी को ताड़ते हुए, मतलब जैसे कभी आप गुस्से में देखिएगा जब पिताजी आपसे गुस्से में आ जाते हैं तो आपको कुछ बोलते नहीं लेकिन आपको ताड़ते हैं, ताड़ना का मतलब आँख दिखाते हैं। तो सेबी को आँख दिखाते हुए उसके पिताजी ने अपने दोस्त को कहा कि ये अलबेला बच्चा है, यूं ही अपना टाइम जो है गुजार रहा है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर 10, सी हियर, इधर देखो, सेबी माई लैड, सेबी मेरे बच्चे या बालक या मेरे छोकरे, इधर देखो। सेड द फादर्स फ्रेंड, पिता के दोस्त ने कहा, यानी उसके दोस्त ने कहा कि इधर जा देखो बेटा। देर इज़ नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दिस थिंग, उन चीज़ों का अंबार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि बच्चे को डिस्करेज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि अपनी बात को दूसरों पे जो है लादने की कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बस अपने ही गुण गाते हैं, मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर वही है, बाकी दूसरे के सब जो है पानी कम है। इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो डिस्करेज होता है। डिस्करेज का मतलब होता है गुस्सा उठता है, उसको क्या ज़रूरत थी कि यहाँ पर बच्चे को जाके बोलना कि यहाँ देखो ये सब चीज़ को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर इंसान की अपनी सोच होती है और अपनी सोच के हिसाब से आदमी चलते हैं। इट इज़ नॉट द क्वालिटी दैट काउंट यू, ये जो है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन चीज़ का भीड़ लगाने से कुछ नहीं होता। जो क्वालिटी का क्वांटिटी का मतलब होता है भीड़ लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होना, तो क्वांटिटी में मत बनाओ लेकिन क्वालिटी में बनाओ। मतलब उनके कहने का मतलब ये था, उनके पिताजी के दोस्त के कहने का मतलब कि आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ अलग दिखने वाला जो है वो कद्दू लाओ और उस पर नक्काशी करो, ना कि वो जो साफ़ सुथरा जो हर जगह मिल जाता है कद्दू, जो नॉर्मल कद्दू होता है उसके ऊपर नक्काशी करो। ये कहने का मतलब था उसके पिताजी का। वाट यू वॉन्ट टू डू दिस टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजअल वन, तुम्हें तो एक या दो अनोखे कद्दू को, मतलब टेढ़े मेढ़े या अजीब सा जो कि हर जगह मौजूद नहीं होता, कभी कहीं पे फल जाता है, तो उस तरह के कद्दू को ढूंढना चाहिए और उस पर नक्काशी करना चाहिए, उसके पिताजी ने कहा, किसको, सेबी को। पैराग्राफ नंबर 11, आई प्रीफर दिस काइंड, सेबी, मैं इसी तरह का पसंद करता हूँ, सेबी ने कहा, जब उसके पिताजी के दोस्त ने कहा कि आपको टेढ़े मेढ़े कद्दू या कुछ अनोखे कद्दू पे आपको नक्काशी करनी चाहिए, तो सेबी ने कहा कि मुझे इसी तरह का जो कद्दू है वो पसंद है। एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और बात को यहीं रोक दो, यानी गुस्सा उसको आ गया और उसने कहा कि ठीक है मुझे इसी तरह का कद्दू पसंद है, बात को यहीं पर रोकिए, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 12, सेबी फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गॉड, सेबी के पिता और उसके दोस्त ने कद्दू के बारे में बात करना शुरू कर दिया। पैराग्राफ नंबर 13, रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड्स, याद है वो बेकिंग कद्दू, मतलब एक कद्दू की प्रजाति है, तो उसके बारे में उसके पिताजी ने कहा कि याद है वो बेकिंग कद्दू, दैट दे हैड द एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग,
जिसे उसने जो है पिछले वसंत में जो है कृषि की जो प्रदर्शनी होती है, मेला होता है, उससे लाए थे। सेड द फादर, पिता ने कहा किसको, अपने दोस्त को, इट वॉज रियली ब्यूटी वजंट इट, यह असली सौंदर्य थी, है ना। मतलब जो वो कद्दू था वो कितना बेहतरीन कद्दू था, वो होगा वही टेढ़ा मेढ़ा कोई कद्दू। तो उसके बारे में उसके पिताजी ने अपने दोस्त को कहा कि तुम्हें याद है वो जो बेकिंग कद्दू है, यानी बात को बनाने के लिए उसके पिताजी ने कहा कि वो बेकिंग कद्दू याद है जो हम कृषि के मेला से या प्रदर्शनी से लाए थे पिछले वसंत के अंदर। यस आई रिमेम्बर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वो बड़ा सा लंबा सा जो कद्दू था। पैराग्राफ नंबर 15, एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्जेशन, जो ही सेबी उन लोगों की बात को सुना, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, वो अंदर अंदर हंसने लगा। मतलब उसको भी पता था कि बेकिंग कद्दू कैसा था, उसका जो रंग रूप कैसा था, इसकी वजह से वो क्या हुआ, अंदर से वो हंसने लगा। द बेकिंग गॉड हैड मेड क्वाइट अ स्टीर एट दैट टाइम, उस समय जो है, एट दैट टाइम का मतलब क्या होता है, उस समय जो बेकिंग कद्दू थी उसने बड़ा हलचल मचा रखा था, यानी कि हर कोई उस कद्दू की तारीफ करता है, चाहे उसके पिताजी हो, उसकी माँ हो या उसके दोस्त हो, वो सब जो है उस कद्दू की तारीफ कर रहा था। बट वैन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब जो बेंजी सेबी था, जब वो सेबी वो देखने गया उस कद्दू को, हैविंग नो आइडिया ऑफकोर्स हु बैकिंग माइट बी, बेशक उसके पास देखने से पहले उसके पास कोई आइडिया नहीं था, कोई पता नहीं था कि शायद वो कद्दू जो है बेकिंग कद्दू वो कैसा होता है। ही हैड फाउंड इट रदर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, तो सेबी ने जब देखा तो उसने जो है उसे एक बेकार सा, स्टूपिड लुकिंग मतलब कि बेकूफ सा, बेकार सा देखने वाला, मतलब वो चीज़ जो बेकार सा दिखता हो उसको कहते हैं स्टूपिड लुकिंग। तो जब उसने देखा तो ही फाउंड रदर अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, तो उस कद्दू को जब उसने देखा तो एक बेकार सा चीज़ पाया, यानी उस कद्दू को जो सेबी को बेकार लगा। एंड हैड वॉक आउट ऑफ द शो, और वो जो है उस प्रदर्शनी से, यानी जो कृषि मेला था उससे वो वापस चला आया। पैराग्राफ नंबर 16, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, मैं इतना अच्छा नहीं सोचता था। मतलब सेबी कहा कि अब जो कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं, वो कद्दू जो है मैं इतना बेहतरीन नहीं पाया उसे। इंटरप्टेड सेबी, सेबी ने टांग अड़ाया, मतलब जब दो आदमी बात कर रहा हो तो जब दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी बोलने लगता है तो इंटरप्शन होता है। इंटरप्शन का मतलब कि वहाँ पे टांग अड़ जाना, मतलब बीच में बोल पड़ना। तो सेबी ने बीच में दो दोस्त, मतलब सेबी के फादर और उसके दोस्त बात कर रहे थे, उसी में सेबी ने कहा कि वो कद्दू मैं भी देखने गया था लेकिन वो कद्दू जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इट्स जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग, ये बेढंगा सा एक विचित्र चीज़ था। क्लम्सी मतलब बेढंगा सा, तो इट्स जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग, ये बेढंगा सा एक विचित्र चीज़ था। आप अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप हमारी ये किताब रेनबो स्नैपशॉट को जरूर परचेज करें। इसमें आपको पूरी कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया हुआ है, और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ साथ इसके अंदर प्रोनंसिएशन भी होता है। यहाँ पे आपको इसके वीडियो के अंदर नहीं है प्रोनंसिएशन, किताब के अंदर जो है प्रोनंसिएशन भी दिया हुआ है, जिसके अंदर आप जो है जैसे इंग्लिश का जो वर्ड ऊपर देख रहे हैं उसका प्रोनंसिएशन उच्चारण, इससे आपको क्या हुआ कि अगर कोई वर्ड का उच्चारण आपको नहीं होता है तो आसानी से आप कर सकते हैं। साथ में वर्ड मीनिंग भी आप जो है इसके अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सरप्राइज, सरप्राइज माने अचरज में पड़ जाना, उसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, साथ में पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, साथ में जो इसके अंदर जो समरी है वो भी जो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। तो एक बेहतरीन बुक जो आप लोगों के लिए बिहार में सबसे पहले जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आप देखते हैं वो सारा ट्रांसलेशन पहले जो है किताब है रेनबो स्नैपशॉट जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से दी गई है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, घर पर बैठ के जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो इसका PDF भी अवेलेबल है, आप अपने कोचिंग के नाम से बनवा सकते हैं और बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 100 में 100 मार्क्स आपको इसके जो PDF से टकराता है, यानी 100 में 100 क्वेश्चन आ जाता है। इसके अंदर सारा चीज़ अवेलेबल है, वर्ड मीनिंग्स भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, समरी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है और ट्रांसलेशन भी है। पैराग्राफ नंबर 17, हिज फादर ओपन हीज आई वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, उसके पिता ने गुस्से और अचरज में आँख को तितेरा। मतलब जब उसके दोनों दोस्त के बीच में बात हो रही थी, जब उसको टोक दिया तो उसके बाद उसके पिता ने गुस्सा भी, गुस्से के अंदर और अचरज के अंदर जो है उसके ऊपर आँख दिखाया, किसके ऊपर, सेबी के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 18, व्हाट्स दैट ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा ये क्या था, मतलब कि तुम, हम दोनों बात कर रहे हो उसके बीच में तुम टपक रहे हो। वैन यू डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, जब तुम्हें मालूम ना हो क्या बोल रहे हो, यू वुड बेटर सेटअप, मतलब कि उस तब तुम्हारे लिए क्या चाहिए, बेहतर होगा कि चुप रहो। सेबी डिड नॉट से एनी वर्ड, सेबी ने एक शब्द भी नहीं कहा।
पैराग्राफ नंबर 90। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एंड अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन जब सेबी मतलब वह मतलब सेबी अनजान गली में गुजर रहा था। देखिए अनफेमिलियर, अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है, जिससे जिससे परिचित ना हो आप, जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, उसको हम क्या कहते हैं अनफेमिलियर। बैक स्ट्रीट का मतलब होता है जो छोटा छोटा जो गली होता है कूचा, उसके अंदर वो घूम रहा था। ही केम अपॉन एन ओल्ड वीमैन विद अ फ्रूट स्टॉल, वह जो है एक बूढ़ी औरत से जा मिला जो एक फ्रूट का स्टॉल मतलब खोमचा लगा रखी थी। सी वॉज सेलिंग ड्राइड पेरिसमिन एंड ऑरेंज, वह सूखा खुरमा, ये देखिए पेरिसमिन इसको कहते हैं, ठीक है, जो टमाटर के जैसा होता है, खाने में मीठा होता है, आपको ये जून जुलाई के मौसम में मिल जाता है, तो ये पेरिसमिन सूखा जो था मतलब सूखा कर इसको बेच रही थी, और ऑरेंज मतलब जो नारंगी है उसको बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस, और घर के जो दरवाजे हैं, शटर का मतलब जो चौखट होता है या शटर मतलब दरवाजा जो होता है उसके ऊपर, बिहाइंड द स्टॉल, जो स्टॉल खोमचा लगा हुआ था उसके पीछे में, सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड, उसने एक बड़ा सा कद्दू का जो है गुच्छा लटका रखा था, मतलब कद्दू भी बेच रही थी पेरिसिमन और जो ऑरेंज तो बेच ही रही थी, साथ में जो स्टॉल के पीछे एक दरवाजा था उसके ऊपर कद्दू लटका हुआ था जिसमें कद्दू भी बेच रही थी। पैराग्राफ नंबर 20। कैन आई हैव अ लुक, क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ, किसने कहा, सेड सेबी, सेबी ने कहा। एंड इमीडिएटली रेन बिहाइंड द स्टॉल, और जल्दी से जो खोमचा या रेडी जो लगा हुआ था उसके पीछे भागा। एंड बिगेन एग्जामिंग द गॉड, और कद्दू को देखने लगा। सडनली ही काउट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 inch लॉन्ग, अचानक उसका ध्यान एक कद्दू पे पड़ा जो 5 inch लंबा था। एंड एट फर्स्ट साइड लुक क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली नज़र में तो काफ़ी मामूली नज़र आ रहा था। कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है, काफ़ी मामूली जो नज़र होता है, क्वाइट मतलब काफ़ी, और कॉमन प्लेस का मतलब होता है मामूली, तो बड़ा मामूली सा नज़र आ रहा था 5 inch का जो छोटा सा कद्दू था उसको देखने में। समथिंग अबाउट इट मेड सेबी हर्ट बीट फास्टर, बट इसमें कुछ था, यानी ये 5 inch कद्दू के अंदर कुछ था जिसने सेबी की धड़कन को बढ़ा दिया, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ अजीब सी देखी सेबी ने जो उसकी धड़कन को तेज कर दिया। पैराग्राफ नंबर 21। हाउ मच दिस इज दिस वन, इसका कितना कीमत है, ही आस्क पेंटिंग आउट द वर्ड, उसने हाँफते हुए कहा, मतलब कुछ ऐसा चीज़ देखा उसने उसकी वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने हाँफते हुए कहा कि इसका ये जो 5 inch का कद्दू है उसकी कितनी कीमत है। पैराग्राफ नंबर 22। वेल सेड द वुमेन, ठीक है बूढ़ी औरत ने कहा, सिंस यू आर जस्ट अ लैड, क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चे हो, आई लेट यू हैव इट फॉर 10 yen, मैं तुम्हें 10 yen में दे दूंगी, मतलब कि तुम बच्चे हो, मैं तुमसे बार्गेनिंग नहीं करूंगी, 10 yen है मतलब जो जापानी मुद्रा है उसके अंदर मैं आपको दे दूंगी। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकती है आपकी कि जो लेडीज़ थी उसने जो है कद्दू कितने येन में दिया, 10 yen के अंदर दिया था सेबी को, 5 inch का जो कद्दू था वो 10 yen के अंदर उसको दिया था। पैराग्राफ नंबर 23। इन दैट केस, ऐसी स्थिति में, सेड सेबी अर्जेंटली, सेबी ने तुरंत कहा, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी वॉन्ट यू, कृपया इसे मेरे लिए रखेंगी ना, आई विल राइट बैक विद द मनी, मैं पैसे लेकर तुरंत वापस आता हूँ, आई विल राइट बैक बाय मनी विद द मनी, मतलब कि मैं पैसे लेकर वापस आता हूँ। पैराग्राफ नंबर 24। ही डैश्ड होम, वो घर की ओर भागा, डैश्ड का मतलब होता है भागना, एकदम दौड़ कर जो भागता है उसको कहते हैं, तो वो जल्दी से घर की ओर भागा। एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, और समय भी नहीं लगा और वो स्टॉल पे आ गया, यानी तेज़ी से दौड़ कर घर से पैसा लेकर आ गया। ही बॉट द गॉड, उसने कद्दू खरीदा, एंड लुक इट टुक इट होम, और उसे घर ले गया। From that time, उस वक्त के बाद से, he was never separated from this new god, वो अपने नए कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ, मतलब जो 5 inch का कद्दू था उसके ऊपर उसने खूब अच्छी तरह से नक्काशी करता रहा और हमेशा उसी में लगा रहता था। He even took it along school, वह उसे अपने साथ स्कूल भी ले गया। And used to polish it under his desk in class time, और क्लास के समय जब क्लास लगी हुई रहती थी उस समय वो अपने डेस्क के नीचे जो है उस कद्दू को पॉलिश करता था। इट वॉज नो लॉन्ग बिफोर काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर, और अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि उसे ये करते हुए एक शिक्षक ने देख लिया। हु वॉज
पर्टिकुलरली इनसेन, जो विशेष रूप से क्रोधित हुआ, मतलब जब उसको देखा तो क्रोधित हुआ. क्यों क्रोधित हुआ? बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन एथिक्स क्लास. क्योंकि ये सब जो है एक शिष्टाचार वाली घंटी, मतलब शिष्टाचार बच्चों के अंदर शिष्टाचार है, उसकी एक घंटी थी, उस घंटी के अंदर जो है क्या हुआ, ये चीज़ घटित हुआ. मतलब जो टीचर थे वो शिष्टाचार वाले टीचर थे. पैराग्राफ नंबर 26, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान. शिक्षक जो थे वो जापान के दूसरे कोई हिस्से से आते थे. एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और वो इसे बहुत घृणास्पद यानी घिनौना मानते थे. दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल इन एफिमिनेट पास्ट टाइम, मतलब कि बच्चे जो हो और जो लड़का बच्चा हो वो जो है औरत का जो काम होता है नक्काशी करना, ये माना जाता है औरत का काम होता है. तो वो एक जापान के उस पार्ट से आते थे जिसके अंदर जो लड़के को लड़की का काम करना यानी कि एफिमिनेट जो पास्ट टाइम का मतलब होता है, जो औरत का काम होता है उसको कहते हैं. तो औरत का काम करना उसको जो है मतलब कि ये मतलब ये घिनौना मानते थे. कौन? जो टीचर थे. एज कलेक्टिंग गॉड, जैसे कि कद्दू का संग्रह करना, ये सब औरत का काम, उस पर नक्काशी करना, ये सब औरत का काम होता है. तो इसे वो जो है क्या घिनौना मानते थे. ही नेवर माइंड हैविंग हीज स्टूडेंट सिंग नानीबूशी बैलेट. नानीबूशी नाम की जो गाथा है, मतलब जो गाना है, उसको गाने में, लेकिन वो जो है बुरा नहीं मानते थे. हालांकि गाना गाना भी क्या है, लड़कियों का काम है, लेकिन वो जो नानीबूशी नाम की जो बैलेट्स है, मतलब जो नानीबूशी नाम की जो गाथा है, वो गाना गाने में बच्चे को शर्म नहीं करते. मतलब देखिए डबल स्टैंडर्ड हो गया कि अगर औरत का काम पसंद नहीं है उनको तो ठीक है, ये कद्दू पे नक्काशी करना भी बुरा लगता, तो गाना गाना भी जो होता है वो भी बुरा लगना चाहिए. लेकिन नहीं, उसे गाना गाना, नानीबूशी का जो गाना है वो पसंद था, लेकिन जो है एफिमिनेट पास टाइम में जैसे कद्दू पर नक्काशी करना वो उसको पसंद नहीं था. हाउएवर रिकॉर्ड्सली, भले ही कर्कशतापूर्वक ही कोई ढंगे ढंग से ही कोई वो नानीबूशी का जो गाना है वो गाए, तब भी उसे अच्छा लगता था. नाउ व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फ्यूरी. जब उसको पता चला या जब उसने देखा कि सेबी चुपचाप अपनी लौकी पे पॉलिश चढ़ा रहा है, तो उसे आवाज में जो है क्या हुआ, रोष से कांपने लगा. मतलब उसकी जो आवाज़ है उसके अंदर गुस्सा भर गया और वो जो है कांपने लगा आवाज़. पैराग्राफ नंबर 27, यू आर एन इडियट, ही शाउटेड. तुम एक मूर्ख हो, वो चिल्लाए. किसने? टीचर ने चिल्लाया. देर इज़ एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई कोई बेशक जो है सो भविष्य नहीं है, मतलब तुम्हारे जैसे बच्चा कुछ नहीं कर सकता. देन एंड देयर ही कॉन्फिस्टिकेटेड द गॉड, और उसी समय उन्होंने क्या किया, जो लौकी थी यानी जो कद्दू थी उसको जब्त कर लिया. ऑन विच सेवी हैड स्पेंड सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पे सेवी ने इतने सारे घंटे लगाकर काम करके बिताए थे. सेवी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, सेवी सीधा आगे देखा, डिड नॉट क्राई, और रोया भी नहीं. तो इस तरह से आपका जो है पार्ट थ्री का समापन हुआ. अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमारी जो है गेस्ट पेपर निकल चुकी है बिहार स्कूल के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश का प्रोवाइड करते हैं. हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा आपका जो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सारी की सारी क्वेश्चन आपको, चाहे ऑब्जेक्टिव ग्रामर की हो या बुक की, वो सारी ऑब्जेक्टिव भी मिल जाती है, सब्जेक्टिव भी, कंप्लीट गेस्ट पेपर होती है. इसी तरह इंग्लिश का भी आपका जो गेस्ट पेपर होता है, इसके अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये पूरा क्वेश्चन आंसर और साथ में जो है आपका जो एसे है, लेटर राइटिंग है, ये सारी चीज़ इसके अंदर कंप्लीट होती. तो इसके अंदर जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है 50 रुपीज़ पे करके इंग्लिश का और 50 रुपीज़ पे करके हिंदी का आप जो है ये गेस्ट पेपर का PDF आप मंगवा सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप अपने दोस्त दो चार मिलकर भी आप इसको मंगवा सकते हैं, ताकि आप प्रिंट करके अपने दोस्तों के साथ जो है इसको मतलब इस PDF फाइल को आप जो है सो पढ़ सकते हैं. ये इसमें से 100 out of 100 क्वेश्चन जो है टकराता है. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस.